बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे 10 से 15 ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के हवाले से आप लोग शेयर करूंगा जिनमें एडमिशन अभी तक ओपन है। जो स्टूडेंट्स इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर अप्लाई कर लीजिएगा। कम्प्लीट डिटेल मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ, लेकिन वीडियो में आप लोग शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जुवास बहावलपुर, बहावलपुर से आगे जो है वो 10-15 किलोमीटर ये यूनिवर्सिटी है और थोड़ा सा सहरा में ये यूनिवर्सिटी है। जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप इस पर अप्लाई कर लें। 22 सितम्बर 2023 इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे इसमें एडमिशन दिए जा रहे हैं। आपका प्रास सारा चल रहा है। डिप्लोमा कोर्सेज में भी एडमिशन ओपन है, उसके अलावा बीएस के डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में एडमिशन ओपन है, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि दूर के एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सर्वाइव करना और आने जाने में क्योंकि एक्सपेंसिस बहुत ज़्यादा लगते हैं, एक शहर से बाहर है, तो स्टूडेंट्स आपने पहले सोच समझ के एडमिशन लेना ताकि बाद में आपको अगर आप जो है वो इसमें ना पढ़ना चाहते हैं तो आप बाद में आपको इसमें जो फी है वो बहुत मुश्किल वापस होगी। तो पहले सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा, जहाँ भी आपने एडमिशन लेना है सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको बताऊँ तो एरेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, उसमें एडमिशन ओपन है। 11 सितंबर 2023 अप्लाई की लास्ट डेट है, परसों उसमें अप्लाई की लास्ट डेट है। लाजमी तौर पर आप तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर लें जो एरेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मजीद बताऊँ तो युवास लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप इसमें भी लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। डीवीएम की एक मशहूर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, आपका एडमिशन जो है वो इसमें हो भी जाएगा। इसकी फी जो है वो दूसरी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जितनी ही होती है। जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप इसमें अप्लाई कर लें। मजीद आपको बताऊँ तो स्टूडेंट्स गोमली यूनिवर्सिटी इस्माइल खान में एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट गोमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर लें। पहले इसमें अप्लाई की लास्ट डेट 30 अगस्त 2023 थी, अब इसमें अप्लाई की लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 है। आपको एक मंथ का टाइम ज़्यादा दे दिया गया है। बीएस एमफिल बीएस फिफ्थ सेमेस्टर और पीएचडी तमाम प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इस्माइल खान में भी एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मजीद बताऊँ तो जीसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसमें भी एडमिशन ओपन है। आपके पास अप्लाई का चांस अभी तक मौजूद है, 4-5 दिन का टाइम है, लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। बीएस में भी अप्लाई की लास्ट डेट 15 सितंबर है, एमफिल में अप्लाई की लास्ट डेट 11 सितंबर है और इसके फी भी नॉर्मल है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं जीसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स आप इसमें अप्लाई कर लें। उसके बाद आपको मजीद बताऊँ तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए लाहौर, इसका जो रावलपिंडी कैंपस है उसमें भी एडमिशन ओपन है। एक पब्लिक सेक्टर अदारा जो एडमिशन इसमें लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वेबसाइट पर आप अप्लाई कर लें, उसमें भी एडमिशन ओपन है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी जिनमें एडमिशन ओपन है, मैंने कम्प्लीट डिटेल आपसे शेयर कर दी है। अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो इसके हवाले से, डेली बेस पर जो हमारी क्वेश्चन की वीडियो आती है उसमें आप अपना सवाल भेज दिया करें, उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट डे हमारी आंसर्स वाली वीडियो में मिल जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मजीद बताऊं तो आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।